बच्चों, आज हम कक्षा 10 का समाज विज्ञान का पेपर देखेंगे जो रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत पेपर हो रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं केवल क्वेश्चनों की बात करूंगा, इसके आंसर यदि चाहिए हो तो टेलीग्राम मुझे ज़रूर एक बार एसएमएस करना, मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ, पहला है, भारत एक तक समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था, ये बताना है। ब नंबर है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कौन सी, कार है, भोजन है, टीवी है, पुस्तक, क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगी। स नंबर है, भारत का संविधान ग्रहण किया था, कब किया गया था, ये बताना है। चार ऑप्शन दिए, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। द नंबर है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है, 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पोंगल ऋतु में मनाया जाता है, कौन सी ऋतु में मनाया जाता है, ये बताना है। इसके उत्तर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज़रूर देख लेना सभी प्रश्नों के उत्तर, एक से लेकर जितने पूरे क्वेश्चन होंगे सभी के। ब नंबर है, भारत सरकार प्रति वर्षों में जनगणना अभियान चलाती है, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। स नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन न किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कनिष्क वंश का संस्थापक कौन था, कुषाण था। ई है, कारों के धुएं और उद्योगों की चिमनियों से निकले धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है, ये बताना है। वायु प्रदूषण होता है कि ध्वनि प्रदूषण, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होता है, वायु भर देंगे इसमें। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आ है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ। 12 नंबर, भारत के किस पठारी क्षेत्र में खनिजों का भंडार है। 7 नंबर है, गैर परंपरागत ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत का नाम लिखिए, डीजल पेट्रोल हो गया। 10 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। ई नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। सर्व साक्षरता अभियान क्या क्या है इसमें, ये बताना है। शाकाहारी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हिरण हो जाएगा। संगम साहित्य ये तमिल, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये अपने मध्य प्रदेश में। चंपारण सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने। सर्व साक्षरता अभियान ये 15 से 35 आयु वर्ग हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य सत्य बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्ति गुटों में बट गया, सही है कि गलत है। ब नंबर है, मृदा एक निर्जीव पदार्थ है, सही है। स नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। द नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 भारत के वायसराय बने, ये भी सत्य है। ई नंबर देंगे, विश्व शांति के लिए भारत का लोकतांत्रिक और अखंड बने रहना आवश्यक है, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6, अफ्रीकी लोगों पर रंगभेद का क्या प्रभाव पड़ा, कोई दो बिंदु लिखना है। इसके अथवा में है, प्राचीन काल के दो महान ज्ञान केंद्रों के नाम लिखना है, ये भी मैं क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, देख लेना। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। अगला है, मृदा क्षय किसे कहते हैं, इसके अथवा में भारत की कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया। अगला है, स्वदेशी का क्या अर्थ है, इसके अथवा में है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, हम प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, ये बताना है। इसके अथवा में संसदीय शासन प्रणाली क्या है। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, साक्षर का क्या अर्थ है, इसके अथवा में है, पर्यावरण की परिभाषा लिखना, वह आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा आवास है, वो क्या है, पर्यावरण है। प्रश्न क्रमांक 11 है, विश्व सभ्यता को भारत के योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसके अथवा में है, वैश्वीकरण के कोई तीन परिमाण लिखना है, क्या कोई तीन परिमाण। इस 12 है क्वेश्चन, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, इसके अथवा में है, वर्षा जल संग्रहण की कोई तीन विधियां लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे, असहयोग आंदोलन के कोई मुख्य कार्यक्रम क्या थे, कोई तीन लिखना है, तीन नंबर का है तो तीन ही लिखेंगे। इसके अथवा में साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था, इसके अथवा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता ग्रहण करने की कोई तीन तरीके लिखना है, इसके अथवा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्पष्ट करना है, चार नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्देश्य लिखिए, कोई चार लिखना है। इसके अथवा में है वैश्वीकरण की कोई चार विशेषताएँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे, देश के आर्थिक विकास में नदियों का योगदान लिखना है। इसके अथवा में है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहा गया है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, भारतीय संस्कृति की कोई चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है जनसंख्या वृद्धि के कोई चार कारण बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारतीय किसानों पर अंग्रेजी राज क्या प्रभाव पड़ा। इसके अथवा में है 19वीं शताब्दी के समाज में सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव लिखिए। अगला देखेंगे, मानवाधिकार का महत्व बताइए। इसके अथवा में है संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता लिखिए, कोई चार बताना है कि किस वजह से हम लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। इसके अथवा में लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार का महत्व लिखिए, कोई चार बिंदु लिखना है इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां, प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे, आतंकवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए, कोई चार बिंदु लिखना है। इसके अथवा में है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मानचित्र में ये बताना है कि अरब सागर कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है, हिमालय पर्वत कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र में ये भी दर्शाना है बंगाल की खाड़ी, थार का मरुस्थल, दिल्ली, चिल्का झील, नर्मदा नदी, ये सब कहाँ, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे, हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाने वाली विविधताओं का वर्णन कीजिए, पाँच नंबर का है। अथवा में है जनगणना अभियान किसे कहते हैं, यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां, राष्ट्रवादी आंदोलन में क्रांतिकारियों का क्या महत्व है। इसके अथवा में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 26 देखेंगे, प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है भारत में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, कोई पाँच नंबर का है, पाँच लिखना है इसमें। और बाकी सभी क्वेश्चन यदि चाहिए हो तो टेलीग्राम पे एसएमएस करना, इनके मैं उत्तर सभी 26 के 26 सभी उत्तर उसमें प्रोवाइड कर दूंगा।